Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to Nadia Khan Online Academy. Actually, mera gala kharab hai. Theek hai, agar aapko theek se samajh na aaye to uske liye maazrat. So, FIN620 final project of finance. Jaise ki aapko sabko pata hai ki इनकी वीयू की एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं. सो इसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको जो है फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बनाना है. इनकी असाइनमेंट्स हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनाउंसमेंट देखेंगे कि अनाउंसमेंट क्या आई हैं. सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है वो JCL है, जॉब कंफर्मेशन लेटर. ठीक है, और ये असाइनमेंट जो है वो आपने 22 अप्रैल तक सबमिट करवानी है. अगर आपके कोई भी क्यूरी है तो आप FIN620@bud.pk पे जो है वो मेल कर सकते हैं. असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो प्रपोजल के हवाले से है. आपको इसमें प्रपोजल सबमिट करवाना है 22 अप्रैल तक, और इसका ग्रेस पीरियड जो है वो 23 अप्रैल है. ठीक है, मतलब कि 23 अप्रैल तक जो है वो आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं. ये VU का रूल है कि असाइनमेंट्स का जो है वो आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी आपको इमरजेंसी पेश आ जाती है, ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो, या फिर आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपको एक्स्ट्रा जो है 24 आवर्स दिए जाते हैं, ताकि आप अपना वर्क कंप्लीट करके LMS पे सबमिट करवा सकें. सो जो फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल है वो आपके हैंडबुक में अवेलेबल है अंडर द डाउनलोड सेक्शन ऑफ द कोर्स. और इसमें जो है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इज आल्सो अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन फॉर गाइडेंस पर्पस. स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू एक्सप्लोर द लिस्ट ऑफ टॉपिक फाइल बिफोर स्टार्ट टू वर्क ऑन प्रपोजल. सो प्रपोजल पे वर्क स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को जो है मस्त देखना है, और उसमें से भी जो है आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आप अपनी मर्जी का भी टॉपिक ले सकते हैं, और ये जो है अलाउ नहीं है कि आप सेम वर्क जो है किसी और स्टूडेंट का सबमिट करवाएं. ठीक है, और कॉमन मिस्टेक्स भी आपने देख लेनी है. इसके अलावा जो है असाइनमेंट 2 के लिए नोट ये है कि ये असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो कंपलसरी है. इसको मस्ट आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपका प्रपोजल है, और इसकी कोई भी असाइनमेंट आप स्किप नहीं करेंगे, और सुपरवाइज़र की इंस्ट्रक्शंस को आपने मस्ट फॉलो अप करना है. ठीक है, तो ये देख लें, यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो इसका जिक्र कर दिया. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रेस पीरियड होता है 24 एक्स्ट्रा पीरियड जो है वो आपको दिया जाता है सबमिशन ऑन VULMS. सो प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए. और अगर उससे गाइड करने से पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. अगर आपको प्रपोजल में हेल्प चाहिए, पेड प्रपोजल अगर आप बनवाना चाह रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरे स्टूडेंट का फीडबैक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आके. ये लेटेस्ट वीडियो है, और ये इसमें भी जो है 2 वीडियोस जो हैं वो रिव्यूज़ भी के ऊपर हैं, वो आप रिव्यूज़ जो है चेक कर सकते हैं. प्रपोजल के हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो हम सबसे पहले जो है वो असाइनमेंट फाइल पे जाएंगे. असाइनमेंट इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. ऑब्वियसली वही इंस्ट्रक्शंस होंगे जो हमने असाइनमेंट में डिस्कस की है, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको. सो हम फिर भी देख लेते हैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए. अच्छा, इसमें जो है प्रपोजल जो है वो आपने बनाना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, सूटेबल टॉपिक फ्रॉम लिस्ट ऑफ टॉपिक. लिस्ट ऑफ टॉपिक से भी आप टॉपिक ले सकते हैं, अपनी मर्जी का टॉपिक आप ले सकते हैं. ठीक है,
कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व इन स्टूडेंट्स प्रपोजल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट, ये आपने इसको मस्ट जो है रीड करना है डॉक्यूमेंट को। इसके अलावा जो है जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। यू हैव टू सबमिट द प्रपोजल बाय अपलोडिंग, और असाइनमेंट नंबर टू में जो है वो आपने प्रपोजल सबमिट करवाना है। और 23 अप्रैल तक जो है ड्यू डेट 22 है, एक्स्ट्रा पीरियड ग्रेस पीरियड जो है वो 20 एक्स्ट्रा दिया जाता है। 23 अप्रैल तक जो है वो आप सबमिशन करवा सकते हैं। सबमिशन रिवाइज आफ्टर द ड्यू डेट वाया मेल विल नॉट बी एंटरटेन। सो मेल के थ्रू जो भी स्टूडेंट अपने सबमिशन करेंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी फाइल्स। दूसरा जो ये है कि सिर्फ आपने इसमें टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना बल्कि इसमें कंप्लीट प्रपोजल बनाना है अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड फॉर्मेट ऑन वेयोलेमस, और ये कंपलसरी है असाइनमेंट नंबर टू, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इसकी कोई भी असाइनमेंट आप स्किप नहीं कर सकते और इसको पास करना भी ज़रूरी है, इसके मार्क्स नहीं होते। और प्रपोजल जो है वो आपने एमएस वर्ड में बनाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में आप जो है उसको सबमिट करवाएंगे। पीडीएफ फाइल में जो है वो सबमिशन अलाउ नहीं है, ठीक है, और प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अब जो है वो हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो है आपको गाइडलाइंस मिल सकें कि आपको कैसे जो है वो प्रपोजल बनाना है। मेरा एक्चुअली गला काफ़ी ख़राब है, मुझे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि गाइड करते हैं, तो इसलिए जो है वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको किस तरह से प्रपोजल बनाना है। सो इसमें जो है वो आप कोर्स हैंडबुक जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल भी मौजूद है, इसको आपने फॉलो करना है। फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल जो है ये आपका फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल है। इसके बाद जो है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम जो हमारा है वो टॉपिक सिलेक्शन का है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक है, ये फाइनेंस FIN620 के स्टूडेंट्स के लिए, और FIN619 जिन स्टूडेंट्स का FIN619 भी सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स भी जो है उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस तरह से प्रपोजल बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आपको टॉपिक लिस्ट दी गई है, ये 4 से 5 टॉपिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही टॉपिक्स लें, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी अपने टॉपिक ले लेना है। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने फॉर्मेट को देखना है, जो भी आपको वीडियो ने प्रोवाइड किया है फॉर्मेट को अपने जो है वो फॉलो करना है। सो यहाँ पे HRMS 620 जो है ये शो हो रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये FIN620 के लिए भी है, HRM 620 के लिए भी है, MGT 620 के लिए भी है, इन सब स्टडी सब्जेक्ट्स के जो प्रपोजल फॉर्मेट है वो सेम है। सो आपने इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना, या आपने ये नहीं सोचना कि लो ये तो HRM के लिए है, ये FIN में नहीं है, शायद सुपरवाइज़र से मिस्टेक हो गई है। सो आपने इसको इग्नोर करना है। टाइटल पेज आप बनाएंगे जिसमें आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, नेम, आईडी, यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी लोगो, डेट ऑफ सबमिशन। इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाएंगे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पे जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स पे आप इंट्रो लिखेंगे, और उन प्रोजेक्ट टाइटल को बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस बारे में है, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे आप कंट्री में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपने बतानी है। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में आपने इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और आप प्रपोजल बनाते वक्त आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं कर सकते, आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सुपरवाइज़र को उसी वक्त पता चल जाएगा, क्योंकि उनके पास टर्निंग सॉफ्टवेयर होता है,
और अगर आपका कॉपी पेस्ट वर्क हुआ तो वो आपको आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे. सो बी केयरफुल. रैशनल ऑफ द प्रोजेक्ट है. सो रैशनल से मुराद ये है कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें आपको जस्टिफाई करना है कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया. आपको एक लॉजिकल फैक्ट के फैक्ट्स पे जो है एक जस्टिफिकेशन देनी है, ठीक है. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप राइट करेंगे, किस जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप राइट करेंगे वही एक पैराग्राफ 5 से 6 लाइनों में आप अपनी वर्डिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट करेंगे. और उसके के बाद जो है वो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे. ऑब्जेक्टिव्स आप 2 से 3 बना सकते हैं. मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है. और ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप रिसर्च क्वेश्चंस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है. रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये मस्ट अलाइंड होने चाहिए. मतलब पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव्स बना लें तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा. ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद ये नहीं कि आप कोई भी बेतुके से ऑब्जेक्टिव ऐड कर रहे हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा. सो इस ये ऐसी चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा. ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आपने रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो आपने डिज़ाइन करने हैं. और कीपिंग माइंड के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अलाइन विद रिसर्च क्वेश्चन एंड रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी अलाइन विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. एंड ये दोनों चीज़ें जो हैं ये टॉपिक के साथ इनकी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जो है वो लिखेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में ये है कि आप बताएंगे कि रिसर्च स्टडी के जो हैं वो आउटकम्स क्या होंगे और ये जो आपकी रिसर्च है जो भी आप कंडक्ट कर रहे हैं ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी सोल्यूशन की तरफ. और ये प्रोजेक्ट इस टॉपिक जो भी आप कंडक्ट करने की वजह से क्या चेंजेस और क्या जो है इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है. उसके बाद जो है वो आप चैप्टर नंबर 2 जो है वो लिटरेचर रिव्यू का ऐड करेंगे. लिटरेचर रिव्यू आपने इस तरह से ऐड करना है कि एज लाइक अगर आपने कोई टॉपिक लिया है रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू एलिवेट पॉवर्टी इन पाकिस्तान. सो आपने अगर ये टॉपिक लिया है तो आपने इस टॉपिक के कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने जो है इस पे आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं. आर्टिकल्स डाउनलोड करने के बाद आप उनको स्टडी करेंगे और देन अपनी वर्डिंग में लिखेंगे. अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है. और बिल्कुल अथेंटिक और रियल वर्क होना चाहिए. चैप्टर नंबर 3 में जो है वो मेथडोलॉजी आ जाती है. नेचर ऑफ रिसर्च बताएंगे कि आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी. टाइप ऑफ रिसर्च में बताएंगे, नेचर ऑफ में बताएंगे कि कौन सी नेचर होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी या एक्सप्लोरेटरी होगी. डाटा कलेक्शन सोर्सेज में आप बताएंगे कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से होंगे आपके रिसर्च के लिए और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होंगे. डाटा कलेक्शन टूल इंस्ट्रूमेंट में आप बताएंगे कौन सा टूल जो है वो आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे. क्वेश्चनर है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है. और यह आपने पर्टिकुलर टूल जो है वो क्यों सिलेक्ट किया है इसको भी आपने जस्टिफाई करना है. और नेक्स्ट जो है वो पार्टिसिपेंट्स के आपके टारगेट पॉपुलेशन क्या है, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आप ले रहे हैं, सैम्पल साइज आप कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं विद जस्टिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करनी है, ओके. नेक्स्ट जो है वो सैम्पलिंग तकनीक आप बताएंगे. डेटा कलेक्ट किस तरह से किया, कौन सी सैम्पलिंग तकनीक आपने यूज़ की, किस मेथड को आपने यूज़ किया, सर्वे, ठीक है. तो और नेक्स्ट जो है वो डेटा एनालिसिस के बारे में बताएंगे. डेटा एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे. और ये माइंड में रखिएगा कि डेटा एनालिसिस जो है हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एनालिसिस जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है. उसके बाद लास्ट पे आपने रेफरेंसेस ऐड कर देने हैं. सो गुड लक ऑल ऑफ यू. एंड इफ़ यू नीड हेल्प विद योर प्रपोजल यू मे कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप. अल्लाह हाफिज़.